मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.2, कंस्ट्रक्शंस। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब ओ से लेकर यहां तक ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया डायमीटर 6 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर्स ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि सेंटर से इस डायमीटर, जो ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, एक्सटेंड करिए 2 पॉइंट्स पी और क्यू, लेकिन जो पी पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सेंटर से लेकर क्यू का डिस्टेंस वो भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पी और क्यू 2 पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल आएंगे, पी से सेंटर की दूरी भी 7 सेंटीमीटर और क्यू को पॉइंट की भी सेंटर से जो दूरी होगी वो 7 सेंटीमीटर। तो अब जो ये पॉइंट्स पी और क्यू आउटसाइड द सर्कल आए, तो आप इस पी पॉइंट से भी इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए और क्यू पॉइंट से भी इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो प्रोसीजर तो वही चलेगा। चलिए पहले पी पॉइंट से करते हैं। तो क्या करना है बच्चों? आपने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ओपी का, ओ से लेकर पी कर, ठीक है। फिर जब यहां करेंगे तो ओक्यू का भी करना पड़ेगा, तो पहले ओपी का करते हैं। तो ओपी का ओपर रखिए, मोर देन हाफ, ऊपर कंपास, तो आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर नीचे, फिर पी पर रखना है और आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपके पास ये, उसके बाद ज्वाइन करेंगे आप, सो यू विल गेट, हमने ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ओपी का भी कर दिया जिसको काटा है इसने एम रख दिया, और ओ क्यू का भी कर दिया इसका नाम एन रख दिया। अब अगला स्टेप क्या होता है? एम पर कंपास रखना है, ओ तक खोलना है या पी तक खोल के एक सर्कल बनाएंगे और देखेंगे वो पहले वाले सर्कल को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरह से एन पर रखेंगे और ओ तक खोलेंगे या क्यू तक एक और सर्कल, तो मतलब यहां पर 2 सर्कल और बनाने हैं, एक एम पर सेंटर मान के और दूसरा एन सेंटर मान के। तो पहले एम को सेंटर मान के एक सर्कल बनाते हैं, एम पर रख के हमने एक सर्कल बनाया और फिर एन पर रख के भी सर्कल बनाया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ओ था सेंटर, अब हम क्या करेंगे, पी से इसका नाम नेमिंग करेंगे, चलिए ए, ये आपका बी, और यहां पर आपका जो कट किया वो है सी, और ये आपका डी। अब हम ज्वाइन करेंगे इनको, पी से पहले 2 टेंजेंट बनाते हैं, तो पी से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये है पी से एक और पी से एक और, तो ये 2 टेंजेंट आ गए पी से। चलिए अब क्यू से भी सी ओ डी को करना पड़ेगा, क्यू से ये एक और सी से डी को भी, क्यू से डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आ गया आपके पास 4 टेंजेंट। पी से 2 इनर सर्कल, 3 सेंटीमीटर का रेडियस जो था, और क्यू से भी 2, ठीक है। तो आउटसाइडर से 2 ही टेंजेंट पड़ते हैं, आउटसाइड पॉइंट से पी आउटसाइड था 2 पड़ गए, क्यू आउटसाइड था तो 2 ड्रॉ किए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, आपके पास आपने जो किया वही आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूरी है। अगर वहां पर लिखा होगा राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जैसा आपने किया वही आपने फॉलो करना है, वैसे ही स्टेप्स लिखने हैं।